बाबा, आप तो इस घर के कर्ता धरता है ना, तो वक्त रहते आपने कुछ क्यों नहीं बोला? क्या शादी सब कुछ है? क्या शादी से बढ़कर और कोई जरूरी चीजें नहीं है? मुझे लगता है सबसे बढ़कर तो जिंदगी है ना। तो किस बात की सजा मिल रही है उसे? ऐसा क्या गलत कर दिया है उसने? अगर उसे कुछ हो गया ना, हम जी नहीं पाएंगे, हम नहीं जी पाएंगे। बड़ी बहू, तुमने बाबलू को फोन किया? हाँ बाबा, मेरी उनसे बात हुई। उनके बॉस उन्हें काम छोड़कर जाने ही नहीं दे रहे थे, पर वो फिर भी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। मैं भी सोच रहा हूँ कि हॉस्पिटल जाके अली को देखा हुआ एक बार। क्या करेंगे जाकर, क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे? फोन पर सुना ना आपने सब कुछ? डॉक्टर्स लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है, उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं है, और अब तो अनी का इलाज भी नहीं चल रहा है। इतनी बड़ी घटना कैसे भगवान, कैसे? और हमें भनक भी नहीं लगी। और आज अंजना पहली बार अपने सास ससुर के सामने भगवान के दर पर खड़े होकर रो रो कर अपनी दिल की हाल बताती है। अनी की शादी को लेकर जो उसके मन में बातें हैं वो सामने रखती है। जरा भी अंदाजा नहीं था प्रभु हमें कि ये सब कुछ हो जाएगा। नहीं, गलत हूँ, मैं नहीं समझ पाई। वो मेरे आगे अपना सारा दर्द दिल में छुपा तो रहा, और मैंने अनदेखा किया, मैंने कैसे अनदेखा कर दिया, जबकि वो तो हमेशा हमारे साथ था। जब सब लोग अप्पू के खिलाफ थे, जब उसे ताने मारते थे, तब अनी ने उसे प्यार दिया, उसका साथ दिया। हमारा बेटा तो हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता वहां, पर अनी हमेशा हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहा। वो हमारे सामने पल पल घुटता रहा, पल पल मरता रहा, और हम देखते रहे। हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। और तो जिसे उसका साथ देना चाहिए था, वो भी उसे वहां सड़क पर छोड़कर घर वापस लौट आई। और आज प्रश्न पर प्रश्न है भगवान के सामने भी और अपने अंतरात्मा से भी। पत्नी का धर्म होता है अपने पति से प्यार करना, अपने पति को साथ देना, विश्वास करना। पर मां, साथ देना तो दूर, उसने तो विश्वास भी नहीं किया जब अनी ने कहा कि वो बीमार है। कैसी लड़की से शादी कर दी हमने उसकी, जो उसे वहां सड़क पर अकेला छोड़कर वापस आ गई। और आज जो चीखे निकल रही है अंजना के दिल से, जो निस्वार्थ प्यार झलक रहा है, उसे माँ बाबा भी देखते हैं। सच्चाई कितनी है अंजना के प्यार में, ममता भरी है वो। उस पर भरोसा भी नहीं किया, गलत किया। बड़ों बहू ने फोन कर दिया है, मुझे पूरा विश्वास है वो लोग जरूर वहां जाएंगे। अब वो वहां जाकर क्या करेंगे माँ, अब क्या फायदा? अगर उस वक्त वहां कुछ ऊंच नीच हो जाती तो माँ आनी का इलाज करवाने तक का मौका नहीं मिलता हमें। इलाज करके भी क्या समझ में आ रहा है बड़ो बहू? जो वो कह रहा था कि अनी की हालत इतनी कमजोर है कि डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन करने से घबरा रहे हैं। अनी का ऑपरेशन करना खतरे से खाली नहीं है। ऐसा मत बोलिए माँ, देखना जरूर कुछ अच्छा होगा, उसे ठीक होना ही होगा। मेरा मन करता है कि मैं एक बार जनक को फोन कर लूं। और आज एक एक शब्द अंजना की घाव करती है माँ बाबा के दिल में। बात सच्ची है, बस परखने वाला चाहिए आज इस पल को। अब जनक आकर क्या करेगी बड़ो बहू? माँ, अब तक नहीं समझी कि अनी का भला कौन चाहता है? और अब अंजना से रहा नहीं गया, वो
वो तार छेड़ दी है जिसकी गूंज में तड़प है, दर्द है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी आपको अर्शी पे भरोसा है? माँ, अगर अर्शी अनी से प्यार करती, उस पर विश्वास करती, तो यूं बीचों बीच सड़क उसे छोड़कर अपनी माँ के साथ घर वापस नहीं आ जाती। और तो और वो यहाँ पर हमें चार बातें सुना रही थी। अगर वह छोटो नहीं होता ना माँ, तो हमारा अनी वहां सड़क के किनारे अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता। पर अब ये बात सुनी नहीं जाती माँ बाबा से। बहुत दर्द है अभी इनके सीने में भी। ये तो छोटौन का प्यार था, तो आज अनी बूढ़ा हो गया हूँ। मैं जिंदा हूँ लेकिन बूढ़ा हो गया हूँ बड़ी बहू। अब वो ताकत नहीं रही, कौन सुनेगा मुझे? इस परिवार में गुनाहों का ढेर लग चुका है, ढेर। हमने किए रही लेकिन हमारी आंखों के सामने हमने होते हुए देखे हैं। गुना? कहां दफन करेंगे हम उनको? कहां? कैसे गुना बाबा? क्या बोले जा रहे हैं आप? हाँ, गुना कभी छुपते नहीं है, और आप मुझसे छुपाना ही क्यों चाहते हैं? आप मुझे नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, पर मेरा दिल जानता है अनी ने कोई गुनाह नहीं किया। पर शायद आज जो अंजना को बाबा कहने जा रहे हैं, वो माँ भी नहीं चाहती कि सामने आए। पर भगवान के दर पर अनी की जिंदगी की भीख मांग रही ये परिवार इस वक्त झूठ को कैसे दफनाएंगे, गुनाह को कैसे दफनाएंगे? पर वो गुनाह है क्या, ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड के आने वाली अपडेट्स में, जहां हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स, जहां आज आपको बताएंगे किस गुनाह को आज बाबा उजागर करेंगे अंजना के सामने। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर। हाँ, ईश्वर का हाथ है उसके सर पर और उसका मन बिल्कुल साफ है। बुराई उसे छू भी नहीं गई, उसके आसपास भी नहीं पटक सकती। और कई बार माँ बाप के किए हुए बुरे कर्मों का फल बच्चों को भुगतना पड़ता है। चुप हो जाइए आप, भगवान के लिए चुप करिए आप। ऐसा कौन सा गुनाह है जिसकी वजह से आज अनी की जिंदगी खतरे में है? लालच, लालच बड़ी बहू। कई लोग सड़क पर लाकर खुद को महलों में बसाना,